नमस्कार संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आप लोगों को 2009 सीटेट संस्कृत विषय की चर्चा करने जा रहा हूं कि आपके सीटेट में संस्कृत में क्या क्या पूछा जा रहा है, इन बातों को मैं बताऊंगा। देखिए 30 प्रश्न आते हैं आपके संस्कृत सीटेट में, 30 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न जो होते हैं संस्कृत शिक्षण से आते हैं और 15 प्रश्न में जो होते हैं वो अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं। ठीक है, तो मैं अपठित गद्यांश तो नहीं, मैं अपठित पद्यांश की चर्चा आज कर रहा हूँ आपसे। अपठित पद्यांश, ये आपके सामने लिखा हुआ अपठित पद्यांश है। देखिए परीक्षा में क्या होता है कि जब हमारे विद्यार्थी बंधु बैठते हैं तो बड़े घबरा से जाते हैं, वे संस्कृत को लेकर के ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि उनको कैसे प्रश्न का उत्तर निकले। इसका मैं एक सरल उपाय बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, इसको आपने देखा, सरल माध्यम से आपको बताऊंगा, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, सरल तरीके से कैसे आपको पकड़ना है, पेपर में संस्कृत के आए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे देना है, इस विधि को मैं बताऊँगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए अर्थ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अर्थ की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ अर्थ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, वहाँ प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है। ठीक, सीधी सी बात, पहले लाइन को पढ़िए। जैसे कुछ भी आप नहीं जानते हैं संस्कृत, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप इस लाइन को तो ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं, पढ़िए, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। अब इस प्रिय वाक्य प्रदानेन जो यहाँ दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर एक में, इसको आप जो पद्यांश का यह पैराग्राफ दिया है, जो यह पद्यांश दिया हुआ है, इसमें ढूंढिए कि प्रिय वाक्य प्रदानेन कहाँ लिखा है। ठीक, तो आपने यहाँ पहली लाइन से स्टार्ट किया, दूसरी लाइन में देखा नहीं दिखाई दिया, तीसरी लाइन में ए दिखाई दिया, प्रिय वाक्य प्रदानेन। ठीक, अब लिखा है आगे तुष्यन्ति, तुष्यन्ति भी लिखा है, के तुष्यन्ति, तुष्यन्ति माने प्रसन्न होता है, कौन प्रसन्न हो रहा है। अब मिलाना है, इसी लाइन में आपका उत्तर भी है, इस प्रश्न का उत्तर इसी पंक्ति में है, जिस पंक्ति में यह मैच कर रहा है, जिस पंक्ति में यह मिल रहा है। अब जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए जंतवः, बी पशवः, सी साधवः, डी दुष्टाः, इन चारों ऑप्शनों को मिलाइए, क्या इस लाइन में दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन जंतवः, देखिए जंतवः, जंतवः मिल गया आपका, देखिए यह आपका जंतवः मिल गया। अब जंतवः यहाँ भी है, जंतवः वहाँ भी है, पशवः नहीं है, न साधवः है, न दुष्टा है, तो सीधी सी बात है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका यही जंतवः ही होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, यह पकड़ने का इसका तरीका होता है। कुछ लोग क्या हो करते हैं, खूब पढ़ें, खूब पढ़ेंगे, 14 बार पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, पढ़ रहे हैं ठीक है, अर्थ निकाल रहे हैं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी उसमें परेशान है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधी सी बात, आप मेरे मित्र प्रश्न पढ़िए, प्रश्नों को आप उन पंक्तियों में मिलाइए, उसके बाद अगर वह कहीं मैच कर गया, जैसे देखिए प्रिय वाक्य प्रदाने ने यहाँ लिखा है, प्रिय वाक्य प्रदाने ने यहाँ भी लिखा हुआ है, अब यहाँ यह मैच कर रहा है, तुष्यंत यहाँ लिखा है, तुष्यंत भी लिखा है, अब सर्वे तो नहीं लिखा है इसलिए सर्वे नहीं होगा, जंतवः वहाँ लिखा है, जंतवः यहाँ भी लिखा हुआ है, अब इसको आप मैच करिए तो आपका यह आंसर मिल गया, तो आपका उत्तर जंतवः सही होगा। तो प्रिय वाक्य प्रदाने ने के तुष्यंत, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से कौन संतुष्ट होता है, तुष्यंति माने संतुष्ट होता है, तो कौन, जंतवः माने प्राणी, प्राणी लोग संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से प्राणी लोग संतुष्ट होते हैं, तो इसका उत्तर यह है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, कस्य द्वे फले अमृतोपमे अस्तः, कस्य द्वे फले अमृतोपमे अस्तः, कौन से ऐसे दो फल हैं जो अमृत के समान होते हैं, उपमे माने समान, उपमा, ठीक है, अमृत के समान होते हैं, कस्य द्वे फले, किसके दो फल अमृत के समान होते हैं। अब इस पंक्ति को अब ढूंढिए, कस्य तो नहीं, द्वे फले अमृतोपमे,
कि द्वे फले अमृतोप में यह पंक्ति जो लिखी हुई है यहाँ पर, अब देखिए किस लाइन में मिल रही है। तब संसार कट वृक्ष द्वे फले अमृतोप में, देखिए द्वे फले अमृतोप में यहाँ दिखाई दे रहा है और द्वे फले अमृतोप में यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से इसी ही पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है इसी पंक्ति में होगा। अब कस्य द्वे फले अमृतोप में, तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन देखिए संसार कट वृक्षस्य, संसार कट वृक्षस्य, ठीक। अब संसार कट वृक्षस्य यहाँ देखिए लिखा है, हाँ इसमें लिखा हुआ है संसार कट वृक्षस्य, अर्थात यही आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन ए इसका भी सही है। सत्संगते नहीं मिल रहा है इस लाइन में, नदी नाम नहीं मिल रहा है, निम्न वृक्षस्य भी नहीं मिल रहा है, तो अर्थात किसके दो फल अमृत के समान होते हैं, तो संसार कट वृक्षस्य, संसार रूपी कट वृक्ष के दो फल अमृत के समान होते हैं, ठीक है। तो यह उसका उत्तर यह होगा, अर्थात आपका यह होगा। इस प्रकार से मेरे मित्र आप अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्नों को पंक्तियों में मैच करिए, अगर वहाँ मिल गया तो जो बचा हुआ भाग है वह अब ऑप्शन में ढूंढिए, उस ऑप्शन से मैच कराइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ दोनों ये मैच कर रहे हैं, अर्थात उत्तर आपका यही सही होगा। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है, जिनको संस्कृत आती है वो तो अच्छी बात है, अर्थ निकाल ले रहे हैं अच्छी बात है, जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बस उन प्रश्नों को आप इन पद्यांश या गद्यांश की पंक्तियों में मैच करेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर जहाँ मैच कर रहा है उसके आगे या पीछे हो सकता है उसी ही लाइन में, ठीक है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, एते श्लोका कस्मिन छंदे संति, एते माने इन श्लोक में कौन से छंद हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिखा है अनुष्टुप, वंशस्थ, इंद्रवज्जा और शिखरणी, ठीक है। तो देखिए अनुष्टुप, अब इसको क्या करना है, अब इन छंदों को चर्चा, मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा बहुत ही सरल और सहज तरीके से, मैं आपको छंदों को बताऊंगा कि आपको छंदों को कैसे पकड़ना है, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आगे हम क्लास लेंगे तो इन छंदों की भी चर्चा, अनुष्टुप, शिखरणी, मंदाकांता, उपजाति, वंशस्थ, शार्दूल, विक्रीडत, हरणी, जो भी इत्यादि छंद हैं उन छंदों की भी चर्चा मैं आपसे विधिवत करूँगा, ठीक है। तभी तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कैसे इसको पकड़ना है। अब देखिए, अब किसी भी छंद को पकड़ना हो तो पहला नंबर ये पता होना चाहिए कि उसमें मात्राएं कितनी होती हैं, जैसे अनुष्टुप छंद में 32 मात्राएं होती हैं, वंशस्थ में 12 मात्राएं होती हैं, इंद्रवज्रा में 11 मात्राएं होती हैं, शिखरणी में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पकड़ना है 17, इस प्रकार से आपको पकड़ना है कि किसमें किन में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो अब देखिए पहले गिनिए, अब कोई भी पद्य है, कोई भी पद्य है उसकी पहली लाइन गिनिए, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ 16 आ रहे हैं, 16 अक्षर हैं, और जो बीच में अर्धाक्षर दिखाई दे रहे हैं इनकी गणना हम नहीं करते हैं, जब छंद की गणना करते हैं तो इनकी गणना हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अर्थात यहाँ 16, फिर नीचे वाली लाइन दो लाइन लेंगे, 16 दुना 32, क्योंकि एक पंक्ति में 16, दूसरी पंक्ति में 16, 16 दुना 32, तो अनुष्टुप छंद में 32 मात्राएं होती हैं, तो इसमें भी 32 मात्राएं हैं, गिन लीजिए, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 वहाँ है, 16 नीचे है, तो 16 दुना 32, तो 32 32 इसमें है, अर्थात इन पंक्तियों में अनुष्टुप छंद होगा, न तो इसमें वंशस्थ है, न इंद्रवज्जा है, न शिखरणी है, ठीक है ना। तो इनकी चर्चा मैं विधिवत आपको आगे बताऊंगा, अभी इसमें क्या सही होगा, तो इसमें अनुष्टुप सही होगा, ठीक है ना। अनुष्टुप में 32 मात्राएं होती हैं, पहली पंक्ति में 16, दूसरी पंक्ति में 16, तो 16 दुना 32, ठीक है, और चार चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो इन
इनको आप इस ढंग से हल कर सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस व्हाट्सएप नंबर पर 8299310097 पर कॉल करिएगा। जो भी आपको पूछना है आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितं च स्वादु संगति सुजने जने प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तोष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। बड़ी बढ़िया पंक्ति लिखी हुई है और यह चाणक्य नीति से लिया गया है, ठीक है। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितं च स्वादु संगति सुजने जने प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तोष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो मित्र, मैं आज से आपको इतनी ही चर्चा कर रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में और चर्चा करूँगा, विधिवत आपको और बताऊँगा, इन छंदों के माध्यम को बहुत सरल ढंग से बताऊँगा, ठीक है। और रस, छंद, अलंकार, जो भी और बातें पूछी जाएंगी उन सब की चर्चा मैं आपको करूँगा। और ये तो अपठित पद्यांश है, गद्यांश की चर्चा, उसके बाद संस्कृत शिक्षण की भी चर्चा मैं अगले वीडियो में आपसे करूँगा, ठीक है। आज इतना ही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।